आज हम बात करेंगे भारत के महान सपूत लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान राजकीय व्यक्ति और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उसका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और उसके माता का नाम राम दुलारी देवी था। उसकी पत्नी का नाम ललिता शास्त्री था। उसके पुत्रों के नाम अनीता शास्त्री, सुनील शास्त्री, हरिकृष्ण शास्त्री और इसके अलावा उसको 2 बेटियाँ भी थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे नंबर के महान वड़ा प्रधान रह चुके थे। बालक अवस्था से उसके मन में देशभक्त बनने का विचार भरा था। अपनी युवानी में ही वह स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए थे। उसके जन्मदिन ही गांधी जी का जन्मदिन आता है, इसलिए हमारे लिए दोहरा उत्सव दिन है। वह एक ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में उसको जाने जाते हैं। भारत के जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे नंबर का प्रधानमंत्री रहे थे। वह 1964 से लेकर 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री के दौरान मद्रास विद्रोह और भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था, फिर भी वह सब समस्याओं पर विजय हासिल किया था। इसके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के शासन दौरान देश में अनेक समस्याओं भी आई थी। उस समस्याओं ने अपनी बुद्धि से हल कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के अंदर दूध उत्पादन बढ़ोतरी हो जाए, इसलिए अमूल डेयरी के विकास में सहयोग दिया था और भारत के मजदूर और किसानों की खुशियों बढ़ाने में भी कई प्रयास किए थे। भारत के सैनिकों का पूरा सम्मान किया था। इसके कारण लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान नाम का नारा भी दिया था। अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर देने वाले लाल बहादुर शास्त्री 1966 में ताशकंद करार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम है विजय घाट और उसको भारत रत्न से भी नवाजा गया था, किंतु 1966 में रहस्यमयी रीति उसका मृत्यु हो गया। इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों को भी भेजिए ताकि उसको भी ऐसी माहिती प्राप्त हो सके। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।